अलीगढ़ स्टेट का खास बात आप लोगों को बता देता हूँ कि उन लोग एक ही साथ मतलब चाय पत्ती के साथ साथ गोलमरीच का भी उन लोग खेती करते हैं। वाओ, फाइनली अब मैं पहुँच चुका हूँ पेड़ के ऊपर में जो घर बनाया है। खेती भी यहाँ में किया जा सकता है, तो आप लोग का अगर छोटा छोटा बगान है तो आप लोग कर सकते हैं। खा रहा हूँ मैं आप लोग का, आप लोग देख ही रहे, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल असम टी फैक्ट्स। असम टी फैक्ट्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ हाथीगढ़ी स्टेट, उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का हाथीगढ़ी स्टेट। हाथीगढ़ी स्टेट आप लोग को देख के बहुत ही मजा आने वाला है। हाथीगढ़ी स्टेट का खास बात आप लोग को बता देता हूँ कि उन लोग एक ही साथ मतलब चाय पत्ती के साथ साथ गोलमरीच का भी उन लोग खेती करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोग को देख के। अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूं उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का हाथीगढ़ी स्टेट। आप लोग देख सकते हैं वो आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, तो हम लोग हाथीगढ़ी स्टेट आप लोग को दिखा के बहुत ही मज़ा आने वाला है और आप लोग को देख के भी बहुत मज़ा आने वाला है, तो प्लीज़ आखिर तक जुड़े रहिए। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बगान का अंदर, चाय बगानों का अंदर, और हाथीगढ़ चाय बगान का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग को दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा मतलब हाथीगढ़ टी स्टेट में जो भी मतलब है, मतलब अच्छा अच्छा चीज़ें हैं वो दिखाने के लिए मैं बहुत कोशिश करूंगा, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ताकि यहाँ में जो एक साथ में चाय पत्ती का भी खेती होता है, उसका बाद गोलमरीच का भी खेती होता है, गोलमरीच यानी कि ब्लैक पेपर, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोग को दिखा के और देख के भी। चलिए फिर फाइनली पहुँच चुका हूँ हाथीगढ़ टी स्टेट का चाय बागानों का अंदर में, और आप लोग देख सकते हैं चाय बागान खूबसूरत है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है आके यहाँ, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग को मैं कोशिश करूँगा बैक कैमरा करके अच्छा से दिखाने के लिए। अभी हो गया उन लोग का ड्यूटी का समय, उन लोग सब लोग आ रहे हैं, मतलब आने के बाद ड्यूटी से करते हैं वो भी दिखाएंगे। गाइस, आप लोग को एक बात बता देता हूँ, जो हाथीगढ़ टी स्टेट है ना, यहाँ का मतलब एक फैसिलिटी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो बाहर से मतलब दूर दूर से काम करने लोग आते हैं ना, तो सबको गाड़ी पर लाया जाता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे वो जान के, और आप लोग को भी शायद सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। जो दूर दूर से आते हैं, जो लेबर लोग काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उन लोगों के लिए गाड़ी दिया हुआ है, तो गाड़ी से लेके आते हैं उन लोगों को दूर दूर से, मतलब बहुत दूर दूर से काम पे आते हैं यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को दिखाऊँगा मैं आगे में कैसा गाड़ी में आ रहे हैं सब लोग, और गाड़ी में आके काम करते हैं, सुबह लेने जाता है गाड़ी और फिर से शाम को छोड़ने भी जाता है, तो बहुत इंटरेस्ट का बात है, अच्छा लगा मुझे जान के और आप लोगों को बता के भी बहुत ही अच्छा लगा। ये हाथीगढ़ टी स्टेट का एक प्लस पॉइंट है, बहुत ही अच्छा। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं हाथीगढ़ टी गार्डन में ऐसे मतलब गाड़ियों पे लेबर लोग को लाया जाता है और फिर से वापस छोड़ा जाता है। बता दें कि जो हाथीगढ़ टी स्टेट है तो दो डिवीजन में भाग किया गया है, एक खोराबाड़ी और एक हाथीगढ़, तो बहुत ही बड़ा चाय बागान है, तो यहाँ पे बहुत मतलब बहुत बड़ा चाय बागान है, तो उन लोगों को काम करने के लिए जाने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, तो कोई कोई तो गाड़ी में आना जाना कर लेता है, लेकिन बाकी लोग साइकिल लेके जाते हैं। हेलो गाइस, यहाँ में आके बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो अभी सब लोग काम पे जा रहे हैं, तो अभी काम पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी उन लोग को साथ में जाएंगे और कैसे मतलब काम करते हुए सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे, दिखा के बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोग को देख के भी बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बगान का बीच में, जो वाटर सप्लाई का पम्प है, जो यहाँ में आप लोग देख सकते हैं बागान का बीच में एक घर है, यहाँ में जो बागानों में पानी डाली जाती है ना, तो उसके लिए यहाँ में ये वाटर पम्प यहाँ में है, यहाँ से सप्लाई करते हैं, और बहुत ही मतलब जब ठंडे का मौसम आता है तो यहाँ में बागान में जो इरिगेशन करते हैं पानी चालू करते हैं, तो यहाँ से सप्लाई करते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को मैं बैक कैमरा करके थोड़ा अच्छा से दिखा,
अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और आगे जाके और भी इससे भी अच्छा अच्छा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। चलिए फिर, अभी हम लोग गेट से निकल चुके हैं और आगे जाएंगे। कि मैं सोचा नहीं था, मतलब हाथीगढ़ टी स्टेट में पेड़ के ऊपर में एक घर है छोटा सा, वहाँ में आके मतलब सब लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी ऊपर जाके, वो दूर में आप लोग देख रहे हैं वो पेड़ के ऊपर में छोटा सा एक घर बना हुआ है। तो आप लोग आते हैं तो अगर यहाँ में आके आप लोग पार्टी उटी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्लेस है। तो मुझे भी आके बहुत ही अच्छा लग रहा है और चलिए फिर आप लोग को सामने से जाके दिखाएंगे। चलिए आगे यहाँ में घूम फिर जाके और थोड़ा साइड में पार्टी भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस है। आप लोग अगर आते हैं हाथीगढ़ टी स्टेट तो इस जगह में ज़रूर आइएगा, बहुत ही मतलब मौसम भी बहुत ही अच्छा है। आप लोग शाम का टाइम में आते हैं तो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। प्लीज़ हाथीगढ़ टी स्टेट जो भी आता है तो यहाँ में प्लीज़ आइए एक बार और बहुत ही मज़ा लगेगा आप लोग को। मैं पहुँच चुका हूँ अभी, देख सकते हैं एक पेड़ के ऊपर में एक बड़ा सा पेड़ है, पेड़ के ऊपर में छोटा सा मतलब घर तो नहीं है, घर जैसे बनाया हुआ है, मतलब मान लो घर ही है, मैं तो घर ही बोल दिया आप लोगों को, लेकिन बहुत ही मज़ा है। अभी ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके आप लोग को हाथीगढ़ मतलब हाथीगढ़ बगान का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को। चलिए अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ। वाओ, फाइनली अब मैं पहुंच चुका हूं पेड़ के ऊपर में, जो घर बनाया है वहां मैं घर के ऊपर में आ चुका हूं। और आप लोग देख सकते हैं हाथीगढ़ टी स्टेट का खूबसूरत सा नज़ारा, और बहुत ही धूप है तो यहां में छांव में आके बहुत ही मज़ा है, बहुत 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 मज़ा आ रहा है। अगर आप लोग मतलब हाथीगढ़ टी स्टेट आते तो इस जगह में ज़रूर आइए, ज़रूर 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 आइए। का कुछ शब्द नहीं है, मतलब इतना मतलब मज़ा आ रहा है, बहुत ही ठंडा ठंडा हवा चल रहा है तो इसमें आके बहुत ही मज़ा आ रहा है। मन में मतलब जो सोच के नहीं आया था वो यहाँ में मिल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग को दिखा के भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा टाइम यहाँ में बैठेंगे और आप लोगों को और भी चीज़ अच्छा अच्छा चीज़ है तो और भी दिखाएंगे आप लोगों को। अगर चाय बागान का जो मैनेजर लोग होता है ना साहब लोग, उन लोग यहाँ पर आ के यहाँ में वो सीट वीट बना के रखा हुआ है, घर भी है छोटा सा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में उन लोग पार्टी करने आते हैं साहब लोग। और जगह भी बहुत ही सुंदर है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये देखिए। गाइस अभी हम लोग यहाँ से उतर रहे हैं, उतर के आगे जाएंगे, आगे जाके और भी इससे भी खूबसूरत सा नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे। तो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये मतलब ट्री हाउस मतलब छोटा सा ट्री हाउस हाथीगढ़ का देख के कैसा लगा प्लीज़ बताइए। गाइस गाइस ये हो गया मैनेजर लोग का डाइनिंग हॉल, यहाँ में जो मतलब पार्टी करने आते हैं ना साहब लोग, तो उन लोग का ये हो गया डाइनिंग हॉल। आप लोग देख सकते हो खूबसूरत सा मतलब बहुत ही लकड़ी का बना कर रखा है लेकिन बहुत ही अच्छा है। यहाँ में आके मतलब एंजॉय करके थोड़ा सा ग्राउंड जैसा भी है कि मतलब यहाँ में आके बहुत ही एंजॉय करके लास्ट टाइम में यहाँ में खाना वाना खा के आराम से घर जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा है। प्लेस बहुत अच्छा लगा मुझे आके, आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत धूप तेज है आज, लेकिन आज आके आप लोग को दिखा के बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बोलिए मत इतना ही मज़ा आ रहा है। पता नहीं आप लोग को देख के कैसा लग रहा है लेकिन मुझे तो आके बहुत अच्छा लग रहा है, धूप में और ठंडा ठंडा हवा भी। इधर से निकल रहे हैं और इधर से निकल के आगे जाएंगे, आगे जाके आप लोग को दिखाएंगे और भी खूबसूरत सा जगह। और चलिए चलते हैं। बगान का बीच में और आप लोग को दिखाएंगे हाथीगढ़ टी स्टेट का जो लेबर लोग कैसे काम करते हैं और कैसे पत्थर तोड़ते हैं, तो और सब आप लोग को दिखाने वाला हूं मैं अभी। आप लोग ये देख सकते हैं पीछे में सारा काम करने वाले लोग खड़ा है, अभी जैसे काम करेंगे आप लोग को मैं सारा चीज़ दिखाने वाला हूँ अभी। चलिए फिर Thank you.
आपका नाम? तुमने आप ये कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 10 साल। 10 साल हो गया ना। और चाय बगान में मतलब काम करके आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और आपका घर में कौन कौन है? मेरा पति है, सास है, दो बच्चे हैं। दो बच्चे। उदालगुड़ी डिस्ट्रिक्ट का हाथीगढ़ टी स्टेट, इसमें दो डिवीजन है, एक खैरावड़ी डिवीजन, एक हाथीगढ़ डिवीजन। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? अभी मेरे को तो हो गया 35 साल। आपका तो बहुत एक्सपीरियंस हो गया। हाँ। तो आप मतलब चाय पत्ती तोड़ने का सही तरीका बताइए ना। सही तरीका? हाँ, दो तीन तोड़ के आप अच्छा से दिखाइए। ये लंबा तोड़ने से जी पत्ती अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं होता है ना। दो किली तीन किली तोड़ने से जी पता होता है, अच्छी पता होता है ना। आंटी, अभी जो आप लोग यहाँ पे काम करते हैं, एक दिन का मजदूरी मतलब एक दिन का हाजिरा कितना है? जी पहले तक कम था जी, अभी बड़ा है थोड़ा जी। 232। 232 ना। और 232 मतलब ये मतलब सही है ना, इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। ज्यादा होना चाहिए था ना। आप कुछ कहना चाहेंगे मतलब जनता को कुछ कहना चाहेंगे कि कितना होने से मतलब आप लोग का मतलब साफिचंद मतलब एक परिवार चलने के लिए अच्छा होगा? 300 ना। 300 होने से हम लोग को अच्छा होगा, मजदूर को 300 रुपया हम लोग को मजदूर को होना चाहिए। तेज धूप में आप लोग कैसे काम करते हैं? मतलब 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है इतना तेज धूप में, तो आप लोग कैसे करते हैं? आप लोग को मतलब गर्मी नहीं होता आप लोग को? बहुत गर्मी लगता है ना। लेकिन तब भी आप लोग मतलब इतना गर्मी सह के भी आप लोग काम करते हैं ना। मान लो धूप है तो थोड़ा सही है, लेकिन जोरदार बारिश अगर बहुत जोर से बारिश आ रहा होगा तब आप लोग कैसे काम करते हैं? तभी बहुत तकलीफ होता है ना। बहुत तकलीफ होता है खाने के लिए भी, खाना खाने के टाइम बारिश आती है बहुत ज़्यादा जी, तो खड़ा खड़ा खाना पड़ता है जी। आदत नहीं है धूप में रहने का, तब भी मैं आज मैं धूप में रह के बहुत ही गर्मी हो रहा है, मैं पसीना पसीना हो चुका हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उन लोग मतलब इतना तेज धूप में कैसे काम करते हैं। वो भी मुझे तो एक दिन आके बहुत ही बुरा हाल हो गया, उन लोग तो डेली करते हैं तो उन लोग का बहुत ही तकलीफ होता है, तो क्या बोलो। और बारिश का मौसम में तो बोलिए मत, उन लोग मतलब खाना खाने के लिए भी उन लोग का बहुत ही दिक्कत होता है। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा और आज सब लोगों को मतलब पता तोड़ते हुए दिखा के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ से हम लोग अभी जा रहे हैं, आप सबसे विदाई लेंगे और सभी को बोल रहा हूँ मैं ताता बाय बाय, जा रहा हूँ यहाँ से। बाय बाय। हाथीगढ़ टी स्टेट का फैक्ट्री का फ्रंट साइड में, तो मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूंगा। आप लोग देख सकते हैं टी स्टेट का फैक्ट्री का मेन गेट, आप लोग देख सकते हैं ये है मेन गेट। मैं फैक्ट्री में जितना हो सके आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ा बहुत नज़ारा, तो चलिए चलते हैं फैक्ट्री का नज़ारा दिखाऊंगा आप लोग को। चलिए आप लोग देख सकते हैं हाथीगढ़ टी स्टेट का फैक्ट्री बहुत ही बड़ा है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को दिखा के। ये देखिए बहुत बड़ा है, हाथीगढ़ टी स्टेट का फैक्ट्री के अंदर में हूँ तो आप लोगों को अच्छा से दिखा नहीं पाया, लेकिन जो तोड़ के लाते हैं ना बगान से, वहाँ से लाने के बाद यहाँ में सुखाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये पहुँच चुके हैं हाथीगढ़ टी स्टेट का हनुमान मंदिर, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हाथीगढ़ टी स्टेट का हनुमान मंदिर, आप लोग को हनुमान मंदिर का एक झलक दिखाएंगे। और सो गाइस, अभी हम लोग हनुमान मंदिर से निकल रहे हैं, इसका बाद आप लोग को दिखाएंगे शिव मंदिर। हाथीगढ़ का शिव मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और नया है, तो आप लोग को दिखाने के लिए बहुत। हाथीगढ़ टी स्टेट का शिव मंदिर आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार गेट का लुक है और आप लोग को अंदर जाके दिखाएंगे। चलिए फिर अंदर चलते हैं। हाथीगढ़ टी स्टेट का शिव मंदिर बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही भीड़ भाड़ होता है यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग का टाइम सही नहीं है तो यहाँ पे लोक लगा हुआ है, तो आप लोग को अंदर जाके दिखा नहीं सकते, तब भी जितना हो सके आप लोग को दिखाएंगे। चलिए
के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, अभी आप लोग को दिखाएंगे हाथीगढ़ स्टेट का मेडिकल, चलिए फिर चलते हैं मेडिकल। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हाथीगढ़ स्टेट का मेडिकल, और मेडिकल का अंदर जाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे मेडिकल का खूबसूरत सा नज़ारा, और बहुत ही अच्छा यहाँ का मेडिकल, तो यहाँ का मेडिकल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब गंदा एक भी गंदा नहीं है, बहुत ही साफ है, तो देखने के लिए आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है। जो मरीज लोग हैं वहाँ में यहाँ में सोए हुए हैं उन लोग, तो मैं जोर से नहीं बोल रहा हूँ, उन लोग का डिस्टर्ब होगा, आप लोग देख सकते हैं। होता है ना उन लोग यहाँ पे आते हैं, इमरजेंसी वार्ड है, और ये स्टेट का मेडिकल का ये डाइनिंग रूम है, अगर यहाँ में जो भी मतलब आदमी लोग रहते हैं, पेशेंट लोग रहते हैं, यहाँ में खाना दिया जाता है, और जितना भी पेशेंट लोग हैं उन लोग का गार्जियन आके यहाँ से खाना ले जाता है। प्रेगनेंस और लोग होता है ना, मतलब जो बच्चे का वार्ड होता है यही है, यहाँ में जितना भी मतलब प्रेगनेंट औरत लोग को यहाँ पे भर्ती किया जाता है, और अच्छा से यहाँ में ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से निकल के। हम लोग पहुंच चुके हैं अभी हाथीगढ़ स्टेट का नर्सरी, आप लोग देख सकते हैं नर्सरी के गेट पे मैं खड़ा हूं, और जितना हो सके आप लोग को दिखाऊंगा मैं नर्सरी का नज़ारा, खूबसूरत सा नज़ारा। चलिए फिर खड़ा हूँ नर्सरी का ऑपोजिट फ्रंट में, जो मैनेजर का बंगला होता है ना, तो मैनेजर का बंगला ये है, आप लोग को दिखाऊंगा मैं बंगला, तो मैं आपका बोर्ड भी दिखाऊंगा। चल लोग देख सकते हैं ये है हाथीगढ़ स्टेट का मैनेजर का बंगलो, और नर्सरी का थोड़ा आगे है हाथीगढ़ स्टेट का प्ले ग्राउंड, तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आगे जाके आप लोग को दिखाएंगे हाथीगढ़ स्टेट का गोल मरीच का खेती। जैसे कि मैं बोला था कि हाथीगढ़ स्टेट में जो चाय बागानों का साथ साथ गोल मरीच का भी खेती करते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये है चाय बागानों का बीच में जो बड़ा पेड़ होता है वहाँ में उन लोग गोल मरीच लगा कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं गोल मरीच भर के, मतलब जो गोल मरीच होता है वो बहुत ही अच्छा से यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं आप लोग को बोलूँगा, आप लोग का अगर छोटा बागान है तो प्लीज़ आप लोग का जो पेड़ है उसमें गोल मरीच का पेड़ ज़रूर लगाइए, तो चाय पत्ती के साथ साथ आप लोग का गोल मरीच का भी मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो जाएगा। चलिए फिर मैं आप लोग को बैक कैमरा करके अच्छा से दिखाऊँगा। चलिए आप लोग देख सकते हैं वो चाय बागानों का बीच में जो पेड़ है उसमें गोल मरीच का पेड़ डाला है, तो उसमें बहुत ही मतलब गोल मरीच का वो प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए एक ज़मीन में दो दो खेती, एक चाय पत्ती का हो गया, एक गोलमरीच का हो गया, मतलब ब्लैक पेपर का, तो आप लोग देख सकते हैं। हाथीगढ़ टी स्टेट आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, क्योंकि यहाँ का जो फैसिलिटी है मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो है जो दूर दूर से लेबर लोग आते हैं उन लोगों के लिए गाड़ियों का व्यवस्था किया गया है, मतलब जो दूर से आते हैं उन लोगों के लिए सुबह लाने जाता है गाड़ी और फिर से शाम को उन लोगों को छोड़ देता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा चीज़ है कि जो यहाँ का चाय बागानों के बीच में जो बड़ा बड़ा पेड़ है वहाँ में गोलमरीच का पेड़ लगाया गया है, और चाय पत्ती के साथ साथ उन लोग गोलमरीच का भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ का जो मैं बहुत बागानों में ऐसा गया हूँ, उन लोग का बागान का जो कॉलोनी होता है, कॉलोनी में मतलब उन लोग का कुआँ होता है, एक तो ट्यूबवेल होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे हाथीगढ़ स्टेट में आके देखने को मिला है कि वहाँ का जो कॉलोनी होता है वहाँ में हर घर में नल लगाया गया है, मतलब उन लोग को टाइम टाइम में पानी अपना आप मिल जाता है, खुद को मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब सुबह 5 बजे से लेके 7-8 बजे तक मिल जाता है, और 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक मिल जाता है, फिर शाम को 4 बजे से लेके 6 बजे तक मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। तो अगर आप लोग को भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे हाथीगढ़ स्टेट आके बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। लेबर लोग काम करते हैं वहाँ पे, जो लेबर लोग रहने का कॉलोनी है यहाँ से, मतलब उन लोग का पानी का सप्लाई होता है ना, थोड़ा पहले आप लोगों को मैं बोला था, तो यहाँ से उन लोग का सप्लाई किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही बड़ा टैंकी है, और यहाँ पे तीनों टाइम जो उन लोग का कॉलोनी में पानी सप्लाई होता है तो यहाँ से होता है, आप लोग देख सकते हैं। आज हाथीगढ़ स्टेट घूम घूम के बहुत ही गर्म लगा, मतलब गर्मी का मौसम में बहुत ही धूप है,
थोड़ा मुँह धुला लिया, अभी थोड़ा जान में जाना है तो अब आगे बढ़ते। चलिए फिर जो भी अच्छा चीज़ हो आप लोग को दिखाएंगे। चलिए सो गाइस, अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकल के थोड़ा आगे जाएंगे, मतलब आगे जाके जो भी होगा आप लोग को थोड़ा दिखाएंगे। तो गाइस 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 गाइस, मुझे हाथीगढ़ी स्टेट आके एक मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाई दिया, तो आप लोग को भी मैं दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मतलब चाय बागानों का बीच में मतलब हल्दी का खेती, तो आप लोग शायद दिखा नहीं होगा, लेकिन मैं आज आप लोग को दिखाऊँगा हाथीगढ़ी स्टेट का जो अंदर में मुझे हल्दी का खेत दिखाई दिया। तो आप लोग देख सकते, ये देखिए हल्दी का खेत, तो मुझे बहुत ही बहुत मतलब मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये हल्दी का खेती बहुत ही शानदार से मतलब बहुत ही सुंदर से किया गया है हाथीगढ़ टी स्टेट, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो शायद आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे क्योंकि चाय बागान में जो चाय का खेत होता है, जो चाय का पेड़ होता है, तो वहाँ पर आप लोग का हल्दी का खेत देखने के लिए मिल रहा है। तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, तो शायद आप लोग को भी अच्छा लगा। तो आप लोगों के लिए मैं इतना तकलीफ किया, तो मेरे लिए तो थोड़ा सा थोड़ा भाई यार, प्लीज़ एक तो सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर दो यार। सो गाइस, आप लोग को हाथीगढ़ी स्टेट दिखा के बहुत ही मज़ा आया, शायद आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कॉमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा हाथीगढ़ी स्टेट देख के आप लोग को कैसा लगा। आशा करता हूँ आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जितना गर्मी था ना, बहुत ही धूप में घूम घूम के आज मतलब हालत ख़राब, तो बहुत ही अच्छा लगा। शायद आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, प्लीज़ आप लोग को अच्छा लगा होगा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा।